विभिन्न अंगों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए मुख, आमाशय, छोटी आंत, ग्रसिका, बड़ी आंत। बी मुख, ग्रसिका, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। सी मुख, आमाशय, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत। डी मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। करेक्ट आंसर डी क्या होता है? मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत में यह भोजन जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न, वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव्य, सी हरित लवक, डी कोशिका झिल्ली। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी कोशिका द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यहाँ पे अवायवीय श्वसन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है? वायवीय श्वसन। अगला प्रश्न, श्वकोशी पोषण के लिए आवश्यक है ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी उपरोक्त सभी। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न, मनुष्य के उत्कों में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन निम्न में होता है ये साइटोप्लाज्म में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी गॉल्जी बॉडी में। ये साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में जो पाइरुविक अम्ल है वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न, इसमें से किस छिद्र ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ऑप्शन निगल द्वार, बी कंठ द्वार, सी मल द्वार, डी इसमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? ये निगल द्वार। निगल द्वार जो होता है यह ग्रसनी और ग्रास नली जो होती है इससे जोड़ने का काम यह करता है निगल द्वार। अगला प्रश्न, श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान होता है निम्न में, ये ट्रेकिया एवं लेरिंग्स, बी एलुलाई, सी एलुलाई एवं थ्रोट, डी थ्रोट एवं लेरिंग्स। करेक्ट आंसर बी एलुलाई। एलुलाई में पता है कि हमें जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह उस एलुलाई के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं ये पत्तियों में, बी छाल में, सी कोशिकीय रिक्तिकाओं में, डी इन सभी में। तो करेक्ट आंसर है डी इन सभी में। क्या होता है? पादपों में जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, आपने देखा होगा जो पत्तियां टूटती है तो उसके द्वारा भी उत्सर्जी पदार्थ बाहर आते हैं, छाल में भी उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं, और कोशिकीय जो इनकी रिक्तिका या वैक्यूल्स होती है इसमें भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी इन सभी में। अगला प्रश्न, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ऑप्शन है ये केवल नीचे की ओर, बी केवल ऊपर की ओर, सी ऊपर और नीचे दोनों ओर, डी इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? केवल नीचे की ओर। फ्लोएम जो होता है जो पत्तियों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है उसको ऊपर से नीचे की ओर लाता है, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें एक ही पद होता है, या तो फ्लोएम जो होता है यह ऊपर से नीचे की ओर पदार्थों का परिवहन करता है, कौन से? खाद्य पदार्थों का। जबकि जाइलम जो होता है यह जड़ के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के लवण, जल आदि का अवशोषण करता है, तो यह नीचे से ऊपर की ओर यह परिवहन करता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती है निम्न से। ऑप्शन है ये जल, बी
क्लोरोफिल, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लूकोज। करेक्ट आंसर है जल। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है हमें, तो वह ऑक्सीजन जो होती है वह कहां से मिलती है हमें? जल के द्वारा। जनरली हमें लगता है कि गैस के बदले गैस मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं तो ऑक्सीजन निकलती है, तो वह ऑक्सीजन जो होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड होगा। लेकिन सही जो है वह जो जल होता है, जल का फार्मूला क्या है? H2O। तो H2O में जो ऑक्सीजन होती है ये वाली H2O, तो ये वाली ऑक्सीजन उपयोग करते हैं, न कि ये वाली। तो करेक्ट आंसर क्या है? जल के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है उसका ये उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, इसमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? ऑप्शन है ये उत्पाद, बी परिवहन, सी भोजन राजधानी, डी केंद्र। तो करेक्ट आंसर है ये उत्पाद। जो अमीबा होता है, यह अमीबा क्या करता है? इस प्रकार के जो सुडोपोडिया होते हैं, इसमें इस प्रकार से जो प्रोटोजोआ होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? सुडोपोडिया। सुडोपोडिया या इसको उत्पाद, उत्पाद। उत्पाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह बनते तथा बिगड़ते हैं, मतलब वास्तविक पाद नहीं होते, बल्कि यह कूट रचित यानी फाल्स पाद होते हैं, और इसके द्वारा यह भोजन प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से? जैसे भोजन का टुकड़ा यहाँ पे आता है, यह क्या करते हैं, इनको यहाँ से एक भित्ति बना के इसको अंदर की ओर ले लेते हैं, और उसका पाचन करके फिर कहीं से भी छिद्र बना के इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसको इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा? ये उत्पाद। अगला प्रश्न, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ये श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी निःश्वसन, और डी निःश्वसन। करेक्ट आंसर है बी श्वासोच्छ्वासन, या इसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। ब्रीथिंग में हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यह एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इनहेलेंट एक्सहेलेंट, मतलब सांस को लेना और सांस छोड़ना यह ब्रीथिंग के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है लंग्स का सिकुड़ना तथा फैलना, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वासन। अगला प्रश्न, जब जब चूने के पानी युक्त करकनली में मुंह से हवा फूकते हैं तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है, निम्न की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन है ये ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, और डी जल वाष्प। करेक्ट आंसर क्या है? बी कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था कि मुंह के द्वारा एक नली से हम अगर पानी चूने के पानी में अगर हम वायु प्रवाहित करते हैं तो वह पानी क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। उसका कारण क्या है कि हमारे जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या करता है? दुधिया कर देता है। अगला प्रश्न, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। ऑप्शन है ये जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी मृदुतक द्वारा, डी द्रवउतक द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ये जाइलम द्वारा। जाइलम जो सहवन उत्तक होता है, यह जड़ों द्वारा पानी तथा जल मिट्टी से विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधों में स्थानांतरित करने का काम करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेंटियास्टिक जूस का है? ऑप्शन है ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का एवं लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, बी ट्रिप्सिन इमल्सिफाइड वसा का तथा लाइपेज प्रोटीन का पाचन करता है, सी ट्रिप्सिन एवं लाइपेज दोनों वसा का पाचन करते हैं, डी ट्रिप्सिन प्रोटीन का एवं लाइपेज
इमल्सिफाइड वसा का पाचन करती है। करेक्ट आंसर है डी। डी में दिया हुआ है कि ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि लाइपेज जो होता है वह इमल्सिफाइड वसा का पाचन करता है। हमने देखा भी था कि जो पेंक्रियाटिक जूस होते हैं यहां पे जो इसके द्वारा जो स्रावित लाइपेज होता है यह जो इमल्सिफाइड मतलब जो वसा होती है इसको छोटे छोटे बूंदों में तोड़ने का काम कौन करता है पहले, यह जो बाइल जूस होती है इस बाइल जूस के कारण वसा का इमल्सीकरण होता है और फिर इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन करता है, यहाँ पे जो लाइपेज एंजाइम